जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज वाराणसी डिफेंस एकेडमी के कैंपस में मेडिकल का टेस्ट सुबह से ही 9 बजे से ही चल रहा है और पूरी तरह मेडिकल जैसे इंडियन आर्मी के अंदर मेडिकल होता है प्रॉपर उस तरीके से मेडिकल चल रहा है। और अब मिनिमम 6 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है और मेडिकल कैसे होता है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको हम क्लियर करके दिखाएंगे। हर चीज का मेडिकल एक लॉन्ग वीडियो के तौर पर आपको भेजेंगे ताकि आप हर जगह से संतुष्ट हो जाएं। कैसे मेडिकल होता है, कैसे नहीं होता है, क्या इसकी क्यूरी होती है, क्या इसकी बारीकी होती है और क्या सही है, इस तरीके से सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नौकनी फर्स्ट टेस्ट हमारा नौकनी से शुरू हो रहा है। पैर जोड़ो, पैर जोड़ के रखो, प्रॉपर पैर जोड़ के रखो, पैर जोड़ के रखो, शाबाश, बहुत अच्छे। स्किल मंगाओ, फिट है, फिट। देख लीजिए इस टाइप से आपको खड़ा होना नौकनी के दौरान और आपका ये गैप जो स्पेशली इस गैप के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ये देखिए इस लड़के का नौकनी नहीं है, ये फिट है, ये लड़का भी फिट है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी, ये देखिए नौकनी है, यहाँ से लड़का जब दौड़ेगा तो इसको बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी, इसलिए सेना इनको नौकनी के रूप में नहीं लेती है, ये प्रॉब्लम है। और ये बहुत बड़ा बीमारी नहीं, इसको ठीक किया जाता है। और ये देखिए नौकनी है, अनफिट, ये नौकनी नहीं है, फिट, ये लड़का फिट है, फिट, नौकनी है, बहुत थोड़ा सा नौकनी है लेकिन अनफिट हो सकते हो, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, फिट, अनफिट। ये नौकनी का पॉइंट, इतने लड़कों में से देख लीजिए 3 लड़कों का नौकनी है जो अनफिट है लेकिन इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे, इनको कैसे ठीक करना है मैं ऑटोमेटिक ठीक करता हूँ। नेक्स्ट, इनका पीछे मुड़ हम करेंगे, इनकी चाल को देखेंगे, क्या इनका घुटना, इनका ठेवनी क्या लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। अगर इनका ज्यादा फैल कर चलता है, अगर इनका पैर का एंगल भी राइट, अगर लेफ्ट और राइट की तरफ भागता तो भी ये अनफिट होते हैं, जैसा मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। पीछे मुड़, सीधे चलो, पैदल, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है, ले जाओ। देखने में आपको बहुत सा चीज लगेगा कि नौकनी का एक ही पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है। नौकनी को पीछे खड़ा करके पीछे से चेक करते हैं, इस तरीके से लेटा कर करते हैं, चला कर करते हैं, खड़ा होकर करते हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपको यही महसूस होगा कि नहीं यार ये सारी चीजें इतना ही होता है, इतने से नौकनी खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ से भी नौकनी को चेक किया जाता है। शाबाश, फोल्ड करो, घुटना फोल्ड करो, हाँ, ढीला करो, देखिए नौकनी आप लोगों ने एक दो तरीके से आप चेक किए होंगे, खड़ा हो जाते होंगे, जिनको नहीं नॉलेज है सीधे बोल देगा, खड़ा करके पैर सटा लेगा नौकनी। ये देखिए यहाँ से चेक होता है नौकनी, ये पैर को आपको पूरा फोल्ड करना है और ये आपको ये गैप को प्रॉपर बच्चे का देखना है, यहाँ ये नौकनी नहीं है, देख लीजिए, बस यहाँ दिख रहा है आपका नौकनी, खड़ा होने के बाद भी दिख रहा था इस लड़के का नौकनी और सोने के बाद भी दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं नौकनी है। शाबाश, होल्ड हो जाओ, पलटी हो, शाबाश, दूसरे एंगल से भी आप देख सकते हैं कि इसका पूरा ये सटा हुआ होता है, इस लड़के का ऑलरेडी नौकनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि नौकनी आगे से तो नहीं समझ में आता लेकिन पीछे से नौकनी रहता, जैसे मैं इस तरीके से चेक कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से चेक करने के बाद नौकनी निकलता, लेकिन बहुत से लोगों को इस चीज नॉलेज नहीं होती। शाबाश, नौकनी है, शाबाश, चेंज, ये देखिए नौकनी नहीं है तो नहीं है। नौकनी के बाद जो मैं अगला जो मेडिकल करने जा रहा हूँ, लेग विंग्स, वेरिकोज, ये दोनों पॉइंट हैं, आपको यहां देखना कि वेरिकोज का क्या पॉइंट होता है, जिसके अंदर
पैर के अंदर पिछले पैर के पिछले हिस्से के ऊपर आपका नस जो होता है उभरता है और उभरने के बाद जिग जैग का रूप लेता है, वेरिकोज बोला जाता है। और किस तरीके से चेक किया जाता है ये आपको दिखाते हैं। पीछे मुड़ो। चेक करने से पहले कहीं ना कहीं इनको जंप करा दिया जाता है ताकि इनके नसों का फंक्शन उभर कर सामने आ जाए। जंप करो। इस चीज को देखने के लिए जंप कराया जाता है कि वाकई में इसका प्रॉब्लम है नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो किस तरीके की प्रॉब्लम है, ये अभी आपके सामने उभर कर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ज्यादा करना है, मैं अभी थोड़ा सा ही करके आपको दिखाऊंगा। चलो खड़े हो जाओ। इस तरीके से इस नस को देखा जाता है। इस जगह पे वेरिकोज भी यही होता है, लेग विंस भी यही पे होता है। दोनों पॉइंट नसों से जुड़ा होता है और दोनों पॉइंट यही पे होता है। इस लड़के का देख लीजिए, ना ही वेरिकोज है ना ही लेग विंस है, दोनों चीज नहीं है, क्लीन है, एकदम सही है। आप देख सकते हैं जैसा कि लेग विंस के अंदर, ये देखिए लेग विंस के अंदर ये लड़के का नस उभरा हुआ है। ये लड़का कहीं ना कहीं थोड़ा इस दायरे में आ रहा है, लेग विंस के दायरे में आ रहा है। इसका समय रहते अगर इलाज कर लिया जाएगा तो ये मेडिकल पॉइंट से बच सकता है आराम से। नहीं है, ये देखिए इसमें नहीं है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, बिल्कुल राइट है, सही है, इसका पास है ये लड़का। ये देखिए ये लड़का भी पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वेरिकोज है ना ही लेग विंस है, राइट, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आइए डीपली आपको दिखाते हैं, कैमरा नजदीक लाइए, ये देख लीजिए। आप लोग पूछ रहे थे वेरिकोज क्या है, देख लीजिए इस तरीके से नस है और ये धीरे धीरे अभी और डीपली धीरे धीरे जिग जैग का रूप लेता जाएगा। ये देखिए नसों का उभारपन, और इसके अलावा ये जिग जैग अभी कम है। अभी ये लड़का दौड़ेगा या इसका सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो ये मेडिकल का जबरदस्त पॉइंट हो सकता है। समय रहते इलाज कर लिया जाएगा। हमने वीडीए ने पूरे परिवार ने ऐसे कई लड़कों का वेरिकोज दवा के माध्यम से सही किया है और इसका भी कर लेंगे। हल्का सा उभार ले रहा है, ये देखिए इस जगह पे ये पॉइंट है, हल्का सा उभार ले रहा है इस लड़के का ऑलरेडी। ये अगर इसका छोटा सा ही अभी पोजीशन बन रहा है, समय रहते इसका भी अगर हम लोग दवा कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ये है वेरिकोज, लेग विंस, ये दोनों पॉइंट इस तरीके से क्लियर होंगे दोस्तों। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट।